मध्य प्रदेश राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज 3 दिसंबर को साफ हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले आए एग्जिट पोल के अनुमानों ने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबर है कि इन चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ गई है और उसने पार्टी के संकट मोचन कहे जाने वाले डीके शिव कुमार को एक्टिव भी कर दिया है। इन एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बनने के अनुमान लगाए जा रहे थे, जबकि राजस्थान और तेलंगाना में कांटे का मुकाबला दिखा। राजस्थान में जहां कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ थोड़ी बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लगभग सभी एग्जिट पोल तेलंगाना में करीब 10 साल बाद कांग्रेस सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। हालांकि वह भी सत्ताधारी बीआरएस और विपक्षी कांग्रेस के बीच मुकाबले कांटे का ही देखा जा रहा है। इस बीच बात करें तो सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट जो हमारे पास आई है कि कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के संकट मोचक रहे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को एक्टिव कर दिया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने इन दोनों राज्यों में प्रतिद्वंदी दलों बीजेपी और बीआरएस की किसी भी संभावित खरीद फरोख की कोशिश को रोकने के लिए डीके शिव कुमार को पार्टी के विधायकों की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कर्नाटक कांग्रेस से जुड़े सूत्रों हवालों से बताया कि शिव कुमार और पार्टी की राज्य इकाई को कांग्रेस विधायकों को रखने के लिए कम से कम 2 से 3 रिजॉर्ट या होटल तैयार रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्हें कुछ अतिरिक्त होटलों की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधायकों को भी वहां पर ठहराया जा सके। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस तेलंगाना की 119 सीटों में से 70 सीटें जीतती है तो विधायकों की बाड़ेबंदी की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर संख्या 70 के नीचे होती है तो विधायकों को बेंगलुरु लाया जाएगा। वहीं राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, ऐसे में वहां के विधायकों को भी बेंगलुरु लाने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर पहले से ही कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है और लगातार अपने विधायकों को शिफ्ट करने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जिसके लिए डीके शिव कुमार को संपर्क किया गया है।